स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में, यानी फ्री में सिविल स्कोर कैसे प्राप्त करें। शुरू करने से पहले से बता दूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल है, यहाँ से ये सब्सक्राइब बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्राप्त करें सिविल स्कोर फ्री में। तो सिविल स्कोर देखने के लिए सबसे पहले गूगल पेज ओपन करें, यहाँ पे लिखें गेट फ्री सिविल स्कोर। यहाँ पे लिंक देखिए सिविल डॉट कॉम है, सिविल जो साइट है उस पे आपको मिलेगा सिविल स्कोर, फ्री सिविल स्कोर, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अब ये पेज ओपन हो के आता है, जब ये पेज ओपन हो के आ गया है इसके बाद में हम इसको ड्रॉप डाउन करें और लास्ट में बटन आ रहा है गेट योर फ्री एनुअल सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करें। अब ये पेज खोल के आ रहा है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आईडी वो सेलेक्ट करनी है, फिर इसमें एड्रेस आपको टाइप करना है, पूरा एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी लिखना है। उसके बाद में इसको एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को और सबमिट करेंगे। तो चलिए फिलअप करते हैं इसको। इसमें आपका नाम टाइप करना है, जेंडर, फिर आईडी, आईडी में पैन नंबर, यहाँ पे पैन नंबर टाइप करेंगे, फिर इनकम सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सैलरीड मेरे केस में, फिर मंथली इनकम लिखेंगे यहाँ पे, फिर अपना एड्रेस टाइप करना है, ये थर्ड कॉलम है, डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, फिर आगे स्टेट, स्टेट में जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे, सिटी का नाम, पिन कोड, फिर टेलीफोन टाइप, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर लास्ट में मेल आईडी लिखेंगे, फिर इसको नीचे एक्नोलेज करेंगे आई एक्सेप्ट किया इसमें, फिर लास्ट में सबमिट करना है, ये सबमिट कर दिया। अब वो अपनी आईडी पे आ चुका है स्कोर, तो मेल आईडी खोलेंगे हम अपनी, उसमें आपको मेल मिलेगा, सबसे ऊपर ये सिविल एक्सेस है, सिविल रिपोर्ट, ट्रांस यूनियन स्कोर, इस पर क्लिक करेंगे। और ये अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है, इसको ओपन करेंगे, ये पीडीएफ, तो ये स्कोर आया अपना। इसमें ये बताया कि पहले स्कोर रिकॉर्ड नहीं है, मतलब आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो स्कोर जो है वो -1 या 0 आता है,
जो कि नॉर्मल है। यदि आपका स्कोर -1 या 1 या फिर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है कहीं भी, तो वो नॉर्मल स्कोर माना जाएगा और वो इतना ही अच्छा है जितना 750 प्लस रहेगा। यानी आपका सिविल स्कोर 1 0 या फिर -1 आ रहा है तो ओके है, और यदि आपका स्कोर आ रहा है, नंबर में आ रहा है, जैसे 500, 600 या 650 इस तरह से, तो उसमें फिर देखना आपको कि कितना स्कोर है। यदि 700 से ऊपर है तो ठीक है, 750 अबव आ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, बट यदि 600 के अराउंड आ रहा है या कम आ रहा है तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि आप कहीं लोन अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो, या आपको लोन सेंक्शन होता है भी तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए आप जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अभी सिविल स्कोर प्राप्त करने में कोई एरर आ रही हो या कोई मैसेज आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसका रेजोल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू।